नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सतीश भोंडे, प्याज फसल वैज्ञानिक, और मैं आपसे बात करूँगा प्याज फसल के बारे में विविध विषयों पर। आज हम चर्चा करेंगे प्याज फसल में आने वाले रोग व्याधि जो अपने फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं और हमारे किसान भाई परेशान है। दवा का उपयोग करके भी, प्रयोग करके भी बहुत सारी बीमारियां आती रहती है और इसके प्रकोप से प्याज फसल का भारी नुकसान होता है। तो किसान भाइयों, हमें पहले जान लेना चाहिए कि फसल पर रोग कैसे आता है। किसी भी फसल पर रोग आने के लिए तीन चीज़ों का एकत्रित होना जरूरी है। वो है वहाँ फसल का मौजूद होना, उसके बाद में जो रोग कारक है, जो पैथोजन है, उसका वहाँ होना, और तीसरा है वातावरण, मतलब इस फसल में रोग का प्रादुर्भाव होने के लिए या उसके रोग के जीवाणुओं की वृद्धि होने के लिए जो वातावरण चाहिए, वो उचित वातावरण अगर है तो जाहिर है कि हमारे फसल पे ये रोग आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। यदि ऐसी परिस्थिति आती है तो हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें फसल में रोग आकर नुकसान करने से पहले ही वातावरण यदि रोग के प्रादुर्भाव के लिए या रोग के लिए अगर उचित है तो हमें प्रिवेंटिव या संरक्षणात्मक स्प्रे करके इस रोग को वहीं रोकना चाहिए। दूसरा, ये भी हमें जानना चाहिए कि हमारे जो फसल पर आने वाले रोग हैं उनका प्रसार कैसे होता है। जैसे कुछ रोगों का प्रसार बीज के माध्यम से या पौधों के माध्यम से होता है, कुछ रोगों का प्रसार भूमि के माध्यम से होता है, और कुछ रोगों का प्रसार हवा के माध्यम से होता है। तो ये भी जानना जरूरी है कि यदि ये भूमि से प्रसार होने वाले अगर कारक है, रोग कारक है, तो इनको हमें भूमि का उपचार करने की ज़रूरत है। जो बीज से आने वाले हैं या पौधों से आने वाले हैं तो हमारे बीज की या पौधों की उपचार करना ज़रूरी है, और जो हवा से आने वाले हैं उसका नियंत्रण या उसका प्रबंधन करने के लिए हमें छिड़काव करना चाहिए, फसल पे छिड़काव करना चाहिए। तो ज़मीन में छिड़काव करना, बीज का उपचार करना और पौधों पर छिड़काव करना, ये तीनों चीज़ों का हमें उपयोग हमारे प्याज के खेती में करना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग माध्यम से अलग अलग रोगों का प्रकोप होता रहता है। अब ये दूसरा है एक के मिट्टी का तापमान और नमी, ये दोनों भी इस रोगों की तीव्रता बढ़ाने के लिए मदद करते हैं। जैसे अगर भूमि में हवा का प्रमाण कम हो गया, पानी का निकास अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमारे फसल पे रोगों का प्रमाण बढ़ते रहता है। अब हम देखेंगे कि हमारे प्याज पर आने वाले कौन से रोग प्रमुख हैं। हमारी अलग अलग अवस्था होती है, नर्सरी अवस्था होती है, मुख्य प्याज की अवस्था होती है, और प्याज के भंडारण अवस्था होती है, तथा चौथा बीज की फसल में कुछ रोग अलग से आते हैं। तो इसमें प्याज के फसल में नर्सरी में आने वाले प्रमुख रोग है आर्द्र गलन, जिसे हम डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। यह अलग अलग तरह की फफूंद द्वारा होता है, जिसमें ज़्यादातर फ्यूजेरियम ऑक्सिस्पोरम नाम की जो फफूंद है उसका ज़्यादा प्रकोप पाया जाता है। इसके अलावा पिथियम, राइजोक्टोनिया, इनका भी प्रकोप देखा जाता है। दूसरा है झुलसा या बैंगनी धब्बा, ये जब पत्ते थोड़े बड़े होते हैं तभी आ सकता है, बहुत छोटे पत्ते में नहीं आता है, और इसका कारक है अल्टरनेरिया पोराय नाम का फफूंद। तीसरा पिछले कुछ दिनों से आ रहा है, खास करके खरीफ मौसम के प्याज में, वो है ट्विस्टर या एंथ्रेक्नोज या सेवन कर्ल, इसे आप अपनी लोकल स्थानीय भाषा में जलेबी रोग भी कहते हैं, या कोलिटोट्राइकम नामक बुरसी से या फफूंद से होता है, और ये ज़मीन में जब नमी ज़्यादा होती है तो इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुख्य फसल पर आने वाले कुछ इसमें से रोग जो है वो कॉमन है, जैसे झुलसा या बैंगनी धब्बा है, इसके अलावा स्टेम्फिलियम झुलसा भी आता है, ट्विस्टर भी आता है,
बेसल रॉट भी आता है अगर ये फफूंद आपके जमीन में फ्यूजेरियम नाम की हो तो, और एक विषाणु अभी आ रहा है पिछले कुछ वर्षों से जिसका नाम है आयरिस येलो स्पॉट वायरस। यह विषाणु थ्रिप्स के माध्यम से प्रसार करता है, इसलिए थ्रिप्स का नियंत्रण करना इसके लिए जरूरी है। भंडारण में आने वाले जो रोग है उसमें काली जो आ जाती है, काली पाउडर हमारे प्याज के कंद पर दिखती है जिसे एस्परजिलस नाइजर कहते हैं, वो है। उसके बाद में कंद गलन, कंद का सड़ना, नेक रॉट या गर्दन से प्याज सड़ना, ब्राउन रॉट, नीली फफूंद पेनिसिलियम के वजह से आने वाली, तथा स्मज, इस तरह के रोग हमारे भंडारण में भी आते हैं जिसका नियंत्रण करने के लिए हमें खेत में उचित फसल संरक्षण तथा प्याज निकालने के बाद में उसका अच्छा सुखाना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में बीज फसल में आने वाले जो रोग है वो है लगाने के बाद हमारे कंद गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और सूख जाते हैं। यह क्योंकि प्याज जब हम कंद लगाते हैं तो कंद की प्रक्रिया करने में कहीं चूक गए या नहीं की तो इसकी संभावना ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए कि इस को रोकने के लिए हमें कंद की प्रक्रिया लगाने से पहले करनी चाहिए। उसके अलावा झुलसा, स्टेपिडियम झुलसा तथा बैंगनी धब्बा, ये रोग बीज फसल वाले में भी हमारे प्याज के जैसे आते हैं। इसके साथ में जो ज़्यादा प्रकोप होता है बीज वाले फसल में वो है आयरिस येलो स्पॉट वायरस का। इसके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए थ्रिप्स का नियंत्रण करने की। उसके साथ कुछ अन्य विषाणु रोग भी पाए गए हैं जैसे येलो डॉर्फ और एस्टर येलोज नाम के विषाणु, लेकिन इनका प्रमाण कम होता है और ये अपने आप ही कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है, इसलिए किसान भी इसके लिए ज़्यादा चिंतित नहीं है। अब इसमें जैसे हमने बताया कि भूमि उपचार, बीज उपचार तथा फसल पर छिड़काव के द्वारा इसका रोग नियंत्रण कर सकता है। अब प्याज फसल में जब हम पौध संरक्षण करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हर एक स्प्रे सॉल्यूशन में आपको एडजुवेंट का प्रयोग जरूर करना चाहिए जिससे हमारे दवाई की परिणामकारकता बढ़ती है और अच्छे परिणाम मिलते हैं। उसके बाद में छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के समय करना चाहिए जब तापमान कम होता है, इससे भी हमारी दवाई की परिणामकारकता बढ़ती है। उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, जो सिफारिश की गई मात्रा है जिसको बताया गया है वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग अनुसंधान के माध्यम से, उतना ही प्रयोग करना चाहिए। यदि कम मात्रा में प्रयोग किया तो उचित परिणाम नहीं मिलेंगे, और यदि ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया तो पौधों पर कुछ टॉक्सिसिटी भी आ सकती है या पौधों को भी कुछ नुकसान हो सकता है, इसका ध्यान रहे। रोग का प्रसार जैसे मैंने बताया कि भूमि द्वारा या हवा द्वारा होता है, इसके आधार पर दवा का भूमि में या फसल पर देना निर्भर होता है। उसी तरह से आजकल जो कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जिसमें एक सिस्टमिक अंतर प्रवाहित होता है, कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशंस है, उनका जरूर प्रयोग करना चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल पर आने वाली जो बीमारी है उसका एक साथ नियंत्रण हो। इसके बारे में और हम आगे भी बात करते रहेंगे अगले प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।